क्या आप अपने बालों को ऐसा से ऐसा बनाना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा कमाल का नुस्खा जिसका इस्तेमाल करने से आपके बालों की लंबाई बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी। बता दूं, बालों की ग्रोथ ना हो पाने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, लेकिन दो मेन कारण आपको मैं पहले बताता हूँ। पहला है आपके शरीर में प्रोटीन की कमी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं। अगर आप सही मात्रा में अपनी डाइट से प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो इससे आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ बढ़े तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन सही मात्रा में लीजिए। एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि एक्सरसाइज नहीं भी करता, उसे भी दिन भर में कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन अपने 1 किलो वेट के हिसाब से चाहिए होता है। तो अगर आप प्रोटीन सही मात्रा में नहीं ले रहे तो इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा है आपके शरीर में बायोटिन की कमी। अगर आपके शरीर में बायोटिन की कमी होगी तो इससे बाल झड़ते हैं, बाल टूटते हैं, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर आपके शरीर में बायोटिन की कमी है तो आप इसको दूर कीजिए। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और आप उन्हें लंबा करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होगा। इस उपाय को तैयार करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक शैंपू का। अगर आप इसे बना रहे हैं तो कोई सा भी शैंपू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से शैंपू का 1 पाउच आप इस तरीके से ले लीजिए। इसके बाद इसे इस तरीके से कटोरी में आप जो है ऐड कर लीजिए। अब यहां पर से मैं जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं उन्हें ध्यान से देखिएगा, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे, आपको लेनी होगी दूसरी चीज जो कि रहेगा बादाम रोगन तेल। आपको करना क्या है, किस तरीके से इसका 1 चम्मच यहां पर ऐड करना है, ये देखिए 1 चम्मच आपको इस तरीके से इसे ऐड कर देना है शैंपू में। इसके बाद बारी आती है मेथी पाउडर की। बहुत ही आसानी से मिलने वाली ये चीज हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको नहीं पता तो मेथी के अंदर कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। अगर आपके बालों में शाइन नहीं है, चमक नहीं है, तो अगर आप उसे वापस पाना चाहते हैं तो आपको मेथी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए चलिए इसकी मात्रा आपको बताता हूं। तो देखिए, इस तरीके से मेथी का पाउडर आपको मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि इसका इस तरीके से जो है 1/2 चम्मच के करीब यहां पर इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहां पर आपको लेनी है अगली चीज जो कि रहेगा एलोवेरा जेल। अगर आपके घर पर एलोवेरा का प्लांट है, आप उसका जेल यूज कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, वरना आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसे आपको इस तरीके से 1 चम्मच जो है इस पर ऐड करना होगा, ये देखिए। अब इसके बाद बारी आती है गुलाब जल की। गुलाब जल का इस्तेमाल आपको यहां पर 1 चम्मच करना होगा इस तरीके से, ये देखिए। अब इन सारी चीजों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाइए। आप देख सकते हैं कि हमारी ये रेमेडी बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हुई है। इसी तरीके से आपको भी इसे जो है बना लेना है। तो आइए चलिए बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। देखिए, जिस तरीके से आप शैंपू का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शैंपू की तरह आपको इसे लगा करके तुरंत धो नहीं लेना। आपको इसे लगा करके 3 से 4 मिनट अपने बालों पर रहने देना है। जब आप नहा रहे हो इस तरीके से इसे बनाइए और अपने बालों पर लगा करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने बालों को धो लीजिए, साफ कर लीजिए, और उसके बाद आपका जो नॉर्मल तेल रहता है आप उसे लगा करके रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बता दूं आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको डेली बेसिस पर नहीं करना, आपको इसका इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ 3 बार करना है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बालों की ग्रोथ आपकी बहुत ही तेजी से होगी, आपके बालों का झड़ना रुकेगा, साथ ही साथ बालों में अगर चमक नहीं है तो वो वापस आ जाएगी आपकी। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको रिजल्ट मिलता है तो कमेंट करके बताना, आपका काम है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस तरीके के रिजल्ट मिले। आई होप कि भंडार टीवी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हम इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेकर के आए तो आप उन्हें देख करके फायदा सबसे पहले ले पाए। मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में किसी और नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।